बंटी बबली ने महिला मित्र को धोखा देकर 6,83,000 रुपए कीमत के 42 तोला सोना के आभूषण व 90,000 रुपए नगद कुल 7,73,000 रुपए का माल चोरी कर फरार होने की घटना नारपोले पुलिस थाना सीमांतर्गत कशेली गांव में गत दिनों घटित हुई थी। पुलिस ने कशेली निवासी श्रीमती दिशा रविंद्र लखानी की शिकायत पर उनकी सहेली व उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। नारपोले पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कांड में शामिल सहेली को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किए गए आभूषण को बरामद कर लिया है। भिवंडी पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान ने पत्रकार परिषद आयोजित कर इस संबंध में बताया कि कशेली गांव स्थित गांव रेजिडेंस के बिल्डिंग नंबर 2 में रहने वाली श्रीमती दिशा लखानी की अलमारी में 42 तोला सोने के आभूषण व 90,000 रुपए नगद रखे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर उनकी सहेली मोनालिसा पंकज रॉय निवासी सूरत ने बहाना कर इसी परिसर में रूम भाड़े पर लेना है और दिशा लखानी के घर पर रहने लगी। इसके साथ ही षड्यंत्र रचकर अपने प्रेमी प्रेमचंद भारती को दिल्ली से बुला लिया गया और दोनों ने षड्यंत्र रचते हुए एक दिन पार्टी आयोजित की। इस दरमियान ही मोनालिसा पंकज रॉय ने चालाकी से अलमारी से सोने के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी मिलने पर महिला ने इसकी शिकायत नारपोली पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। नारपोली पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मदन बलाल, पुलिस निरीक्षक संभाजी जाधव के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक चेतन पाटिल व पुलिस उप निरीक्षक अनिल घिवार, पुलिस कर्मचारी बीबी चौहान, SP जाधव, एनडी सोनगिरे, राजेश पाटिल, JS बनगर, वैशाली गोवारी, विजय ताटे ने गुप्त सूचना और तकनीकी जानकारी के आधार पर जांच की और महिला आरोपी मोनालिसा पंकज रॉय को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इस महिला के पास से 26 तोले के सोने के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही साथ उसके प्रेमी प्रेमचंद भारती की तलाश कर रही है और गिरफ्तार महिला को न्यायालय ने 9 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आज की पत्रकार परिषद जो है वो नारपोली पुलिस स्टेशन के अंदर में एक मामला दर्ज हुआ था। तारीख 18/2/2022 से लेके 25/3/2022 के दरमियान कशेली दत्त मंदिर भाव रेसिडेंस बिल्डिंग जो है उसमें रहने वाली महिला है, जिसका नाम है दिशा रविंद्र लखानी, 34 साल की है। उनके हस्बैंड के साथ, उनके पति के साथ वहाँ पे रहती है। उनके एक दोस्त जो है वो कुछ काम के सिलसिले में या रहने के हिसाब से, कमरा ढूंढने के हिसाब से उनके दोस्त जो है वो आई थी। उसके मोनालिसा पंकज रॉय, उम्र उसकी 26 साल है, LIC आवास मनी भद्रा मेसू सूरत, तो ये कुछ दिन के लिए वहाँ पे रुकी थी उनके घर में। और उनके घर में उसने देखा कि लगभग 30-35 तोले का जो है सोने का आवाज वहाँ पे था। उसके बाद 90,000 रुपये वहाँ पे थे और उसको लगा कि यार इसको किस तरीके से ये पैसा निकाला जाए। तो उसने, उसका फ्रेंड है मतलब पति है प्रेमचंद भारती, उम्र 28 साल, दिल्ली में रहता है, तो उसको वहाँ पे बुलाया। एक दिन उन दोनों ने, दोनों चारों जो मतलब जहाँ पे वो रहती थी हस्बैंड वाइफ, ये दोनों उन्होंने अच्छी खासी पार्टी की, वहाँ पे दारू वगैरह पिया। उसके बाद फिर ये सोने के बाद वो जो उसका हस्बैंड है, मुझे होने वाला हस्बैंड प्रेमचंद भारती, उसको भी बुलाया। तो दोनों ने मिलके जो है लगभग 34 तोले सोना वहाँ से गायब किया और 90,000 रुपये लेके जो है वहाँ से भाग गए। तो ये चोरी का मामला हमने नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। उसके बाद फिर हमारे सीनियर PI मदन बल्ला, उनके DP के ऑफिसर चेतन पाटिल और पूरी टीम काम पे लग गई। तो ऐसा पता चला कि ये जो इनके नंबर्स वगैरह निकाले, ये जो लेडी है और उसका दोस्त जो है, ये सस्पेक्टेड थे इसमें। वैसे ही फिरियाद ली गई थी तो उनको ये टीम भेज के, गोवा में भेज के उसका पता चला कि गोवा में रहती है। उस गोवा में जाने के बाद उनको वहाँ पे ताबे में लिया गया। हालांकि वो बहुत जल्दी करना पड़ा, अगर एक दो दिन डिले हो जाता तो ये लोग यहाँ से दिल्ली भागने वाले थे और उनकी शादी होने वाली थी। उनको जो है आरोपी मोनालिसा पंकज रॉय, उम्र 26, हल्दिया पिस्ता ग्रैंड बनोर सालीगांव बॉर्डर गोवा, यहाँ से उसको ताबे में लेके उसके यहाँ से लगभग 26 तोला सोना उसके
बरामद किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है। इसमें और भी जो बाकी का सोना है वो भी उनके मतलब वो भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके इंट्रोगेशन करके इन्वेस्टिगेशन में ये भी हम कर रहे हैं कोशिश रिकवर करने की। इसमें हमारे सीनियर पी आई मदन बल्ला, हमारे जो है एपीआई चेतन पाटिल उनकी जो टीम है पूरी, उसके बाद एसीपी प्रशांत डोले, एसीपी वड़के साहब और एएसआई दीवार, पुलिस नायक चौहान, पुलिस नायक पाटिल, पुलिस नायक सोनगिरे, पुलिस नायक जादव, पुलिस सिपाही बटनर, महिला पुलिस सिपाही गवारी और मेरे ऑफिस का ताठे पुलिस सिपाही, इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया है और अच्छी रिकवरी इसमें हुई और ये मामला इसमें सुलझा गया है।